अब नहीं जाऊंगा, मैं आटे का दूध नहीं चढ़ाऊंगा। रांतिदेव बनिया ने विचार कर लिया, आटे का दूध नहीं चढ़ाऊंगा, अब तो जो है मेरे पास में वो दे कराऊंगा, पर मेरे पास आज बेलपत्र नहीं है और मेरे नियम टूट रहा है, अब बेलपत्र कहां से आएगी। बेटे को बेलपत्र दिए नहीं, परिवार वाले बेलपत्र दिए नहीं, जिनके यहाँ से बेलपत्र आती थी वो बेलपत्र देता नहीं, क्या करा जाए। तुमसे तुम्हारे चित्त में जितनी चिंता है, अगर आप शंकर जी को जल चढ़ाते हो तो तुमसे ज्यादा चिंता तुम्हारी मेरे विश्वनाथ को है, मेरे शंकर को है। शंकर भगवान को चिंता लग गई, इसको बेलपत्री नहीं मिली, इसका नियम टूट जाएगा। नियम टूटे अच्छी बात नहीं। शंकर भगवान ने उसी समय श्री गणेश जी महाराज को बुलाया, गणेश जल्दी आ। गणेश जी बोले, जी पिताजी, एक छोटे बच्चे का रूप रख कर जा, जल्दी जा। छोटे बच्चे का रूप, हाँ जाओ रख कर। गणेश जी बोले, मैं छोटे बच्चे का रूप रख कर जाऊं, क्यों नहीं। शंकर भगवान बोले, तेरे पिताजी छोटे बच्चे का रूप रख सकते हैं तो तू नहीं रख सकता। गणेश जी उसी समय पर खड़े हो गए, कहे पहले ये बताओ कि तुमने कब छोटे बच्चे बन गए। अच्छा, बच्चे अपने पिता से बातें करते हैं जब उनको मालूम पड़ जाता है कि ऐसा ऐसा। जब बच्चे एल्बम देखते हैं ना मम्मी पापा की शादी की, तो देखते देखते बच्चे, कई बच्चे ऐसे रोने लगते हैं, पापा पापा। बोले क्या है इसमें, मौसी है, मौसा है, मामा है, मामी है, सबके फोटो है, मेरा नहीं है। अब पापा बोले, क्या बेटा तू पैदा ही नहीं हुआ था, ये तो हमारी शादी का ऐसे एल्बम में तू कहां से। तो गणेश जी बोले, तुम बच्चे कब से बन रहे। बाबा ओ घरदानी भोलेनाथ जी बोले, अरे गणेश तुझे मालूम नहीं है, जब मैं पार्वती जी को ब्याहने के लिए गया था, तेरी माता पार्वती के साथ में विवाह करने के लिए गया था, बारात लेकर सारे 33 कोटी देवता, भूत, प्रेत, डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भयंकर सब साथ में चले, और जब पहुंचे हिमालय राज की नगरी में, जनवासे में हमको ठहराया गया, वहां से बारात लगना प्रारंभ थी, और बारात लगते लगते नाचते गाते सब हिमालय राज के दरवाजे पर पहुंच गए। गणेश जी बोले, ये बताओ कि छोटे कब बने, तुम बच्चे कब बने, ये बताओ ना। तुम तो ये बोल रहे हो कि पहुंच गए बारात में, हाँ दूल्हे बन कर गए माता पार्वती के दरवाजे पे, हाँ फिर क्या हुआ। भगवान उसी समय पर शंकर भगवान बोले, अरे गणेश, हिमालय राज्य की धर्म पत्नी तेरी नानी, हिमालय राज्य की धर्म पत्नी तेरी नानी हिमालय राज्य से बोली, मैं ये सामने जो दूल्हा आया है ना, मैं इसको अच्छे से जानती हूं, बुढ़ा है। और शिव तो ठेरे कैलाशी, अरे गोरा पछताओ, और बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रह पाओगी। मैं जानती हूं ये बूढ़ा है, मैं जानती हूं। इस जोगी के कोई आगे ना पीछे, गोरा अपना दुखड़ा तुम किसको सुनाओगी। और शिव तो ठेरे कैलाशी, अरे गोरा बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रह पाओगी, कैसे रहोगी। मैं जानती हूँ ये बूढ़े, हिमालय राज ने मेनावती से कहा, मेनावती समझो ये शिव है, बूढ़े नहीं। मेनावती कहती है, मेरे माल में इनकी उम्र कितनी है, मैं जानती हूँ, मैं पहचानती हूँ। ठीक है, शंकर भगवान तक खबर पहुंच गई कि मेनावती कह रही है कि शंकर जी को जानती है। भगवान शंकर ने डमरू का नाद कर डमरू बजाते ही ब्रह्मा विष्णु महेश से कह दिया, आज तक तुम नहीं जान पाए मुझको, और मेनावती मेरी सासू कह रही है कि मैं शंकर जी को जानती हूं।
कई कई सास ऐसी होती हैं जो जमाई को अच्छे से जानती हैं, कई कई सास ऐसी होती है। एक जमाई अपने घर आया ससुराल में और सास ने उसको खूब रबड़ी खीर श्रीखंड खूब खिलाया, खूब। अब रबड़ी श्रीखंड खीर खूब खिलाई, दूध भी खूब खिलाया, खूब मलाई खूब जोरदार जोरदार बना बना के खिलाई। अब जमाई जाने लगा तो सास रोकने लगी, नहीं साहब, जमाई साहब इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगी मैं आपको, आपको रुकना पड़ेगा। आज जमाई की कानों में जैसे ही शब्द गया तो जमाई खुश हो गया, इतने सालों में सास पहली बार इतनी मिन्नत करके मुझे रोक रही है, सास इतनी मिन्नत करके पहली बार रोक रही। तो जमाई ने पूछ लिया सासू जी से, माँ सासू जी मम्मी आजकल क्या बात है, तुम मेरा बहुत आदर कर रही हो, मुझे रोकने के लिए बहुत प्रार्थना कर रही हो, क्यों? इतने में सास बोली, देखो दामाद जी तुम्हारे चक्कर में मुझे भी रबड़ी खाने को मिल जाती, दूध पीने को मिल जाता, मलाई खाने को मिल जाता, मैं तो तुम्हें रोक रही हूँ, तुम रुक जाओ बस, मुझे तुम्हारे चक्कर में ये सब खाने पीने को, तुम माँ मेरे चक्कर में क्यों? इतने में सास ने कहा, देखो हमारी जो भैंस है ना, उस भैंस का जो पाड़ा है ना, जो बच्चा हुआ था ना, वो मर गया, जब से तुम आए हो तुम्हें देख कर भैंस दूध अच्छा दे रही। अब जमाई को लगा कि मैं काला हूं इसलिए भैंस मुझे पाड़ा समझ जाती, मुझे पाड़ा समझ तो मुझे दूध अच्छा मिल रहा है। उसको समझ में आ गया, चल दिया उठकर, जो है वो शिव को दी थी, जो तुम्हारे पास में है वो शंकर को समर्पित। तो यहाँ भगवान शंकर करें, तुम्हारी नानी ने मुझसे कहा कि मैं शंकर को जानती हूँ, उनको जानने के लिए कि कितना पहचानती तुम शिव को। भगवान गणेश जी से शंकर भगवान ने कहा, उसी समय पर मैंने बच्चे का रूप धारण करा, पार्वती जी माला लेकर खड़ी थी, उनकी गोदी में जाकर बैठ गए, भगवान स्वयं शिव, स्वयं महाराज जी। ब्रह्मा पुराण के 33, 34, 35, 36 नंबर के पृष्ठ पर चरित्र बड़ा सुंदर लिखा, बहुत सुंदर। भगवान शिव बच्चे का रूप धारण कर कर पार्वती जी की गोद में पहुंच गए, पार्वती जी पहचान गए ये मेरे स्वामी है, पर नहीं इंद्र नहीं पहचाने, ये बच्चा कौन है जो मजगत जननी के गोद में जाकर बैठ गया, उठाया वज्र शंकर जी ने स्थिर कर दिया, देवताओं ने आक्रमण करा, शिव ने स्थिर कर दिया, हिमालय राज जान गए कि यह साधारण नहीं है, ये वो घड़दानी है जिसको पार्वती जी की माँ बूढ़ा कह रही थी, अरे पार्वती की मैया मैनावती, शिव कभी बूढ़े होते ही नहीं है, वो तो अजर और अमर है, अजर और अमर, वो बूढ़ा नहीं होता, अजर अमर है, जैसा व्यक्ति आता है जो जिस भाव से आता है शिव वैसा मिल जाता है, शंकर वैसा। शिव को पाने का श्रेष्ठ बिंदु है आपका हृदय। तो भगवान गणेश जी ने कहा, जाओ भगवान शंकर करें गणेश जी बच्चे का रूप रखकर जाओ, जैसे मैं बच्चे का रूप रखकर गया था, पहचानना मुश्किल, जाओ जरा। और भगवान गणेश जी महाराज बच्चे का रूप रखकर गए, बेलपत्र लेकर गए दरवाजे पर, रोका बनिए को, रानती देव बनिए को रोककर कहा, ये बेलपत्र तुम कौन हो? क्रांति देव ने पूछा, गणेश जी ने कहा मैं नहीं जानता, मुझे तो ये बेलपत्र मेरे पिताजी ने दी थी और कहा था क्रांति देव बनिया निकले ना तो उसको दे दे। क्रांति देव बनिया इतना चतुर था, अब बनिया गिरदी चालू कर, क्रांति देव बनिया ने पकड़ लिया गणेश जी का हाथ, अब तो बेलपत्र जब ही चढ़ाऊंगा जब तेरे बाप से मिलूंगा, अब तो बेलपत्र जब ही चढ़ाऊंगा। गणेश जी को छोड़ा ही नहीं, गणेश जी पूरी काशी में इधर उधर घुमाते रहे रानती देव को, गली 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 गली, एक जगह पर गणेश जी महाराज बैठ गए, आज भी बैठे हैं दरवाजे के पास, एक जगह पर बैठ गए और बैठकर उन्होंने रानती देव बनिए से कहा, देख तुझे जो चाहिए वो ले ले, पर मेरे बाप से मत, मेरे पिता से,
नहीं मिले बिगड़ तो नहीं, ये बेलपत्र तभी चढ़ाऊंगा जब तेरा पिताजी मिलेगा। ये बेलपत्र भेजे किसने पता नहीं। चल चल बैठ गए रानती देव उसके पास में बैठ गए, हाथ पकड़े रानती देव बनिया। गणेश जी हिलते नहीं, मेरे पिताजी से नहीं मिला क्योंकि पिताजी ने कहा था बस बेलपत्र दे देना और आ जाना, भाग कर आ जाना। हमें क्या मालूम था कि तुम एक बार पकड़ लेते हो फिर जानने नींद देते हो। आज भी बनियों की रीति है महाराज जी, एक बार ग्राहक आ जाता है ये इतनी मीठी वाणी से पकड़ते हैं कि दूसरी बार जाने नहीं देते। आज भी रीति है, ये अपना ग्राहक है, चले कैसे गया। भगवान रानती देव बनिए के हाथ गणेश जी महाराज का पकड़े, गणेश जी महाराज के मेरे पिता से नहीं। अब भगवान शंकर को चिंता लगी आखिर ये गए कहां। उन्होंने तुरंत उसी समय पे नंदी को बुलाया, नंदी जाओ जरा पता करो गणेश जी कहां गए। नंदी घूमते फिरते पूरे काशी में भ्रमण करते फिरते तुरंत गणेश जी महाराज जहां बैठे थे बनिया हाथ पकड़कर बैठा था वहीं पर पहुंच गए। और जो नंदी ने देखा गणेश जी ने इशारे में कह दिया मुझे पकड़ा तेरे को भी पकड़ लेगा, भग जा इसका भरोसा नहीं। और मैं तो बैठी थी गंगा किनारे।